सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। बांध लेते पहले सहरे सुना, बांध लेते कफन जब वतन के जवा, आग पानी में जिसने लगा कर दिखाया। भैया फूल से बढ़ के माँ की जो गोदी पले, वक्त पहलो पुरुष बल के ज्योति जगाया। बोटी बोटी वतन के लिए कट गए, माँ के दामन की लज्जा वो लड़कर बचाया। उन शहीदों का गाथा अमर दोस्तों, खून से सींच कर जो बगीचा लगाया। लड़कियां जब ले साइकिल चलाने लगी, तब ले लड़कों का रफ्तार कम हो गया। जब ले बुढ़िया भी काजल लगाने लगी, जब ले बुढ़िया भी काजल लगाने लगी, तब ले बुढ़वन का माथा गरम हो गया। पिस्टल उठाता रहा, जिसके ताकत पे अंग्रेजी शासन ही ले, जब जवान मर्द हस्ती दिखाता रहा। अंग्रेजी शासन ही ले दास्ता अलीगढ़ का, जबकि सुनो शोर हुआ, यहरी अंग्रेजों का आतंक भी जोरम जोर हुआ। माता बहनों पे वो जुर्म जब डहाते थे, छीन कर बच्चों को संगीन पर नचाते थे। लड़कर जौहर सिंह दुश्मन से टक्कर लेता था, लूट कर खजाना दुखियों को सदा देता था। अरे लूटने खजाना चला जल की टोली, दोनों तरफ से चली जैसे एक आगे ने मानत ना हुए, यही तरह एक आगे ने वह टाइमिया गद्दारी करे। भैया अंग्रेज दौलत दे दे तो मम्मा लोग मुखबिरी शुरू कर दे। त्यार जब जौहर खजाना लूटे तो गरीबों को देता था, और लूट कर अपने भाइयों को देता था कि मेरे दोस्त गुलामी से बेहतर है कि लड़कर मर जाओ, कायरों की तरह जीना ठीक नहीं है। भाई साहब एक दिन खजाना लूटने के लिए कानपुर पहुंचा, और तब तक एक गद्दार मुखबिर जाकर गार्डन कोतवाल से कहा कि सरकार सरकार सुनी न सुनी न सुनी न। कहे का बात बोलो। कहे जौहर सिंह खजाना लूटने के जा रहा। दोनों तरफ से गोली चलने लगी, लेकिन दहिने जंघा में गोली लगी दोस्तों, एक बेस्या का उसको सहारा मिला। बोली बेस्या ये बाबू कहाँ जा रहे, हाल बेस्या से हंसकर बताता। हाल बेस्या ये बाबू कहाँ जा रहे, मार दिया तो जवान गिर जाता है। इतने में अंग्रेजी पलटन जब धुआंधार गोली चलाने लगा गिरने पर जौहर सिंह, तो अंग्रेज भाग जाते हैं। वही टाइम एक बेस्या आ रही थी, बेस्या देखी कहती है, उठा कर लाई अपने कोठे पर। जौहर सिंह को होश होता है,
तो पूछ रहा है कि तुम कौन मुझे कोठे पर लाने वाली हो। तब हाथ जोड़ के कहती है क्या, रूठो ना बाबू मेरे सबनम या सबहाई, मेरा नाम सबनम है बाबू, मैं कोठे की बाई। बाबू बिगड़ा मत, हमार नाम सबनम हो, मैं कोठा की बाई हूँ। और आपके जान लेली कि क्रांतिकारी जवान घायल गिरल हुए, उठा के लिए ली और दवा दर्पण कह दिली, अब तू जा सकला। लेकिन जौहर पूछा कि नहीं, जब क्रांतिकारी जवानों से इतना प्यार है तो तेरे दिल में कुछ राज छिपा है। अरे बोला देवू की जय। हे हमार नाम बुल्लू हो। अरे बोला देवू की जय, थाना में बोला देवू की जय, थाना में बोला देवू के देहलू, दरोगा के देहलू, मुंशी के देहलू, दरोगा के देहलू, मुंशी के देहलू, दरोगा के देहलू। अरे डॉक्टर के देहलू दवा खानो में बोला देहलू की गई, तो रो रो बेस्या बतावे लगल हलिया, रो रो बेस्या बतावे लगल हलिया, रो रो बेस्या बतावे लगल हलिया, रो रो बेस्या बतावे। कॉलेज की बाबू बिगड़ते हैं मुझको, देशभक्त कृष्ण चंद्र पिता हमारे, पापी अंग्रेज मोरे पिता के मारे, माता को मारे चलाए गोलिया, रो रो बेस्या बताओ लगल हलिया, रो रो बेस्या बताओ। ए बाबू हम जन्म के बेस्या ना है, हमार बाबू कृष्णचंद क्रांतिकारी रह लें, उनके अंग्रेज मार दे लें, हमरे माई के मार दे लें, जब हम अकेल 12 बरस के मोरी उमरिया, 12 बरस के मोरी उमरिया, 12 बरस के मोरी उमरिया, 12 बरस के रहली उमरिया, जैसा मिली एक सलाकी बटरिया, जैसा मिली एक सलाकी बटरिया, जैसा मिली एक सलाकी बटरिया। बनाई बदल चलिया। बाबू 12 बरस की उम्र में हम सोचली कि अब कहाँ जाई, जो हमारे बाप के गोली मारे, हमारे माँ को गोली मारे, तो मैं बेहोश हो गई। और बेहोश हो गई तो एक बेस्या पापिन मुझे पा जाती है, और पाकर कोठे पर लाई, मुझे जबरदस्ती बेस्या बना दी। तब जौहर सिंह नाहर कहता है कि रूठो ना बहना मेरी, बाद जो मुझको राखी, भाई बहन का गजब नाता, जमी आसमां साखी। कहले की बहन तुम क्रांतिकारी जवान की बेटी हो तो तुझे बेस्या नहीं हो बनना, बन तो गई जरूर लेकिन ये पद छोड़ना होगा। यही पे एक तर्ज यही टाइम बेजोड़ भाव यहाँ कि मेरी बहना, मेरी बहना ये राखी कलाज तेरा भैया निभाएगा, मेरी बहना ये राखी कलाज तेरा भैया निभाएगा। अरे वही टाइम जवान सिखाने लगा, गोली चलाने सिखाने लगा, क्रांतिकारी उसे बना दिया। और जब क्रांतिकारी बना दिया तो एक दिन का बात हो, जैसे भैया लोग हुए यही तरह जुलूस निकलल, और जुलूस निकलल तो एक थे तर्ज नहीं किया गल हो, गाने का रात दुख दाईरी अब ही तक न भूले, गाने का रात दुख दाईरे अब ही तक न भूले, गाने का रात दुख दाईरे लूट लेला मोरे नैयर कमलवा,
छतिया पर चढ़ के दबावे दुनो गलावा, छतिया पर चढ़ के दबावे दुनो गलावा। काट लेला ये न खतरा, अरे काट लेला जैसे मन खटाई रे। कितने बहन का सिनुरवा धोयल, कितने माई का ललन हो गए घायल, फांसी पर दहलत झुलाई हो। आज ई प्रतिज्ञा करती हूँ, सबनम कहती है कि गार्डन कोतवाल साले को मारूंगी और पीछे कदम नहीं हटाऊंगी। तब तक कोई मुखबिर जाके बता दिया कि गार्डन कोतवाल साहेब, अरे वो सबनम बाई जो है 16 बन गई, धन देश भक्त अनुरागी बन गई, धन देश री, धन देश भक्त अनुरागी बन गई। सरिता भाई सुना लिखे वाले का भाव कि सरिता सुख पड़ी सबनम 16 बन जागी, धन देश भक्त अनुरागी बन गई। पत्थर भी पानी हो जाता, जब शेर सिकंजे में होता गीदड़ भी सानी हो जाता। आय हाय जौहर सिंह इधर खजाना लूटने के लिए जवान चल पड़ा, 22 अंग्रेजों को मारा था और लूट के खजाना सोचा कि मैं सबनम बहन के चली। तब तक कोई मुखबिर बता दिया कि भैया वहां मत जाओ, चौमुख से गार्डन कोतवाल घेर लिया सबनम का कोठा। गार्डन कोतवाल कहा कि अरे सबनम बाई बेस्या का काम करती थी ते अब क्रांतकारी बन गई, गोली चलाने सीख रही हो। अरे जौहर कहा जल्दी बता दो। तो सबनम के जब कोठा घेर गया तो कहती है सबनम, जौहर ने इसी ने पार गोली कर दूंगी। तब तब मम्मा का जीव घबरायल कि जौहर का पता पूछत ही कत गोली सीने पार कर दे। तब गुस्ताए के कलेश की घेर लो जाने न पावे। तो ललकार के कहती है तू नरे विदेशी लफंगा, तू नरे विदेशी लफंगा, इस देश में जमुना गंगा, इस देश में जमुना गंगा, इस देश में जमुना गंगा, भाग जा भाग जा, अरे भागो भाग जा भाग जा, भाग जा चलेगा लुटेरा, कुछ बस न चलेगा लुटेरा, कुछ बस न चलेगा लुटेरा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, भाग जा भाग जा भाग जा। एक छोरा से पूछा था कि क्या कह रही है, तो बतावा तो मुखबिर जो चुरवा सरवा रहल कहते सरकार कहते कि भाग जाओ भाग जाओ, आर्डर दे दिया कि घेर लो जाने न पावे लड़की। आया जब सबनम को घेरवा लिया तो करती है क्या, देरी नहीं लगाया, अरे गार्डन है घेरवाया, अरे देरी नहीं लगाया, अरे गार्डन है घेरवाया, अरे गार्डन है घेरवाया, अरे गार्डन है घेरवाया, जब गोली लगी चलाने, तब गोली दुश्मन को लगी दहलाने, दुश्मन को लगी दहलाने, मन को लगी दहलाने, सन सन वो चलाती गोली, सन सन वो चलाती गोली, सन सन वो चलाती गोली, बन 14 की कर दी बोली, बन 14 की कर दी बोली, बन 14 की कर दी बोली, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, भाग जा।
जाती गोली बन 14 की कर दी बोली। अरे जब 14 जने मम्मा के मल्ले जेके लगे वो तो मरी जाए और जेके न लगे गोली का आवाज सुने तो भागो साले भागो चले पड़ा सब भाग गए। लेकिन एक मुखबिर जाके बताया कि शबनम के पास गोली नहीं है, आय है शबनम पकड़ जाती है और शबनम जब पकड़ जाती है तो अंग्रेज पूछते हैं गार्डन कोतवाल पूछा कि अरे लड़की 14 अंग्रेजों को मार डाली तुझे छोड़ूंगा नहीं, कोतवाल से बता दो जौहर को तो तुझे मैं रिहा कर दूंगा। तर्ज वह हो अरे पिया मतलब बाबा के यार पिया परदेसिया भैया हो रहा बतावा हिंदुस्तानी होते हुए गार्डन कोतवाल से कहा कि सरकार 14 अंग्रेजों का जान मार डाली है गोली चला के तो इसको शासन दिया जाए। इतना बात गार्डन कोतवाल सुना तो कैलेश का कि खूनवा के चल ला फुहार सार यस तन को काटे काटे यस तनवा चलाए सब गोलिया पार बंद हो गई बोलिया छूट गई ना जब सन सार सार असतन को काटे मार सही मार नहीं बताई तो दोनों हाथ काट लिए। तीसरे बार जब पूछे लगने तो दतवा से अपन जिभिया निकाल के कच से काट ले ले कि न रही तो न बताई आय हाय पापी गोली मार दिए गोली मार दिए गिर जाती है। तब तक जौहर सिंह यादव को पता लग गया और चल देता है और कहता है कैसे ए तो बा कैसे हैं नादान घुघरू पायल कभी ये ले लेगी मेरी जान घुघरू पायल के ए नाहर करके चलाए लान सार को मारेंगे नाहर करके चलाए लान सार को मारेंगे नाहर करके चलाए लान सार को मारेंगे नाहर करके चलाए लान सार को मारेंगे। पहले कि जैसे बहन का स्तन काटा है साले का मुड़ी काटूंगा तो नाहर करके चलाए लान सार को मारेंगे झुकी ना ससुरारी में सान 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 सार को मारेंगे। जौहर चल देता है अरे पाई के खबरिया जौहर सिंह चल बैलर भैया के खबरिया जौहर सिंह चल बैलर भैया के खबरिया जौहर सिंह चल बैलर भैया हथवा में लेहल पीस तौलिया उठाए गाली दिया गार्डन के कोतवालिया में जाकर भैया गाली दिया गार्डन के कोतवालिया में जाकर भैया गाली दिया गार्डन के कोतवालिया में जाकर भैया। अहिर बहुरा जाना तो मनते ना अब चाहे कि साथी ले ली लेकिन साथी नहीं लिया इतना दिमाग खराब हो गया पूछ गया अकेल कोतवाली में आवाज दिया कि गार्डन कोतवाल साले अगर मर्द बनते हो तो बाहर निकल अरे गाली दिया गार्डन के कोतवालिए में जाकर भैया अरे ताकेला गार्डन पापी मुड़िया उठाए अरे मार दिया जवान तुरते गोलियां चलाए के भैया
चलौले से गोली जब ऊपर से कहा था गिटपिट 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 करके कर था और तब ले जवान गाड़ी देते रहल भक से बाहरे मुड़ी इतने कैले और ऐसा निशाना सच्चा मरलेस कि गोली भक से लगल और बोली बंद तीन पोरसा नीचे ससुरा गिर गल लगल रुआ मर गल मरदवा की रुए के फिर में हुआ। तीन पोरसा से गिरल जब मार दिया तक कातलिया मुड़ी हाथे चला है उठाए अरे बहनी का बदलवा चुकाए हम ले हली तब ले खतरे का सारन दिए बजाए चौमुख से घेर ले अंग्रेजी पलटनिया सन सन गोलिया जमनवा चला सन सन गोलिया जौने टाइम जवान को गोली लगी मुड़ी यही तरह हाथ में लिया था और कहा कि रे चंडाल मुझे मरने की परवाह नहीं है आखिरी समय था धरती मैया के मिट्टी लेकर अपने सर पर लगाता है इतना लगाते तुरंत प्राण तर देता है तो प्राण जब तर दिया तो कवि को लिखना पड़ा कि गुरुपत्तो गुरु कहे अक्षय वर भारत के वीर बलवान काशीनाथ का सुखनंदन करके गए तूफान धंधे सब भक्त अनुरागी बन गई ए बुल्लू ग्वाल के आगे का करबा बनबागी धंधे सब भक्त अनुरागी बन बुल्लू ग्वाल के आगे का करबा बनबागी बुल्लू ग्वाल के आगे का करबा बनबागी कवरिया रे बोले बाबा जोगिया सीरीज का पैगाम आर सीरीज का ट्रेडमार्क देखना न भूलिए आर सीरीज जो आप तक पहुंचाते हैं आपका मनपसंद मनोरंजन।